दोस्तों, पेंट स्टिचिंग सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम पेंट का खर्चा कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने पैंट की कटिंग कर ली है, इसी का बचा हुआ कपड़ा में हम पैंट का खर्चा कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम पैंट को अलग कर लेते हैं और ये हमारा पैंट का बचा हुआ कपड़ा है, इसी में हम खर्चा कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम क्रॉस पॉकेट कटिंग करेंगे, तो इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। और जो क्रॉस पॉकेट का लंबाई है वो हम 12.5 इंच रखेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम 12.5 इंच पे रख लेंगे। यहाँ पर हम कटिंग करके इसको अलग कर लेते हैं और यहाँ पर भी इस तरह से हम अलग कर लेंगे, क्योंकि हमने दोनों साइड का क्रॉस पॉकेट कटिंग किया है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों साइड का कटिंग कर लिया है। यहाँ पर हम बेल्ट का अंदर साइड का कपड़ा कटिंग करेंगे और इसको हम सबसे पहले कटिंग करके अलग कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक बैक पॉकेट की बेल्ट अटैच के लिए कपड़ा कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 7.25 इंच लेंगे। यहाँ पर कटिंग करके इसको अलग कर लेंगे। इसके बाद हम बेल्ट का जो अंदर साइड कपड़ा लगाते हैं उसको कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 2 इंच निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने सीट को 2 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ था। तो यहाँ पर हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद पेंट का जितना कमर है उसका हाफ निशान लगाएंगे। तो हमारा जो पेंट का कमर है 28 इंच है, तो उसका हाफ करेंगे तो यहाँ पर 14 इंच। तो यहाँ पर हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ से 14 इंच पे हम निशान लगाएंगे कमर का हाफ, और यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा निशान और लगा लेंगे। अब इसको भी कटिंग करके अलग कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से हम कट लगा लेंगे। इसके बाद हम क्रॉस पॉकेट का पाइपिंग कटिंग करेंगे। यहाँ से कट कर लेंगे, इसको हम क्रॉस पॉकेट का पाइपिंग बनाएंगे। इसके बाद बेल्ट के लिए कपड़ा कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद कमर का हाफ लेंगे, तो कमर 28 इंच है, 28 का हाफ करेंगे 14 इंच। तो यहाँ पर 14 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम क्लिप वाला बेल्ट बनाएंगे। तो यहाँ से 2.5 इंच लेंगे और यहाँ से यहाँ तक 4.5 इंच फोल्ड करने के लिए। ये देखिए इस तरह से। अब इसको कटिंग करके अलग कर लेते हैं। वैसे इसकी जो चौड़ाई रखते हैं वो 5 इंच रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 बेल्ट है, यहाँ पर चिपकाएंगे तो 2.5 इंच लगेगा, तो 5 इंच, लेकिन हम जैसा है वैसा ही रख लेते हैं। इसके बाद बैक पॉकेट का कपड़ा निकालेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, हमारा चौड़ाई कुछ कम है लेकिन आसानी से बन जाएगा। वैसे 7 इंच चौड़ाई रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे और उसके बाद जितनी गहराई रखेंगे पॉकेट का उसका डबल कर लेंगे। और यहाँ पर ऊपर की तरफ फोल्ड करने के लिए 4.5, और इसको भी कटिंग करके इस तरह से अलग कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक साइड का बैक पॉकेट का कपड़ा निकाल लिया है। इसके बाद हम दूसरे साइड का कपड़ा निकालेंगे बैक पॉकेट का। यहाँ पर हम बैक पॉकेट की दूसरे साइड का कपड़ा कटिंग करेंगे, इस तरह से पहले सीधा कर लेंगे। यहाँ पर लगभग 1 इंच पे निशान लगाएंगे, उसके बाद जितनी गहराई रखेंगे उसका डबल, फिर 4.5 इंच। और यहाँ पर हम चौड़ाई 7 इंच रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कपड़ा फुल है तो हम 7 इंच रखेंगे। यहाँ से कटिंग करके इसको अलग कर लेते हैं।
तो ये हमारा दूसरे साइड का बैक पॉकेट का कपड़ा है। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड का बैक पॉकेट का कपड़ा कट इन कर लिया है। इसके बाद बैक पॉकेट में ऊपर की साइड जो कपड़ा लगता है उसको कट इन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम दोनों साइड का एक साथ कट इन करेंगे और यहाँ पर चौड़ाई रखेंगे लगभग 3 इंच। तो यहाँ पर ये देखिए हमने दोनों साइड का जो ऊपर के साइड कपड़ा लगता है कट इन कर ली है। इसके बाद हम लुप्पी कट इन करेंगे। तो यहाँ पर हम लुप्पी कट इन करेंगे तो ये हमारा दो साइड का लुप्पी निकल जाएगा। तो यहाँ से कट इन कर लेते हैं और लंबाई हम लगभग 13 इंच रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको कट इन करेंगे होल्ड करके। यहाँ से हम 6 लुप्पी निकालेंगे, एक एक कपड़ा 3-3 लुप्पी बनेगा। तो ये हमारा लुप्पी का कपड़ा और ये क्रॉस पॉकेट का कपड़ा और ये हमारा बैक पॉकेट का कपड़ा है। और यहाँ पर हम बैक पॉकेट में बेल्ट अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और ये हमारा क्रॉस पॉकेट पाइपिंग के लिए और इसमें हम बेल्ट चिपकाएंगे। ये देखिए और ये हमारा बेल्ट का अंदर साइड के लिए। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमने पैंट का खर्चा कट इन कर लिया है। अगले वीडियो में हम स्टिचिंग चालू करेंगे।